नमस्कार, स्वागत है आपका इंस्टा फीड में। मैं श्वेता श्रीवास्तव एक बार फिर हाजिर हूँ। तो चलिए नजर डाल लेते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। रफ्तार से इतने दिनों से उठ रहे सुशांत आत्महत्या केस पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का जवाब आ ही गया। सुप्रीम कोर्ट ने केस की जांच का अधिकार जो है सीबीआई को सौंप दिया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में दर्ज हुई एफआईआर को सही ठहराया और मुंबई पुलिस को जांच में सहयोग करने का बड़ा आदेश दिया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तबियत पहले से और ज्यादा बिगड़ गई है। बता दें कि प्रणब मुखर्जी के फेफड़े में इन्फेक्शन की शिकायत है और उनका वेंटिलेटर सपोर्ट पर इलाज चल रहा है। डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। नाराज सऊदी अरब को मनाने पहुंचे पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को बेइज्जती का सामना करना पड़ा। खबर है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ से मुलाकात की नहीं। सेंसेक्स 200 अंकों से ज्यादा तेजी के साथ 38,700 के ऊपर खुला। इसके अलावा निफ्टी में भी 60 अंकों की बढ़त की शुरुआत हुई है और यहां 11,440 के ऊपर खुला। निफ्टी बैंक 22,340 के ऊपर खुला। वहीं सरकारी बैंक, निजी बैंक, ऑटो, एफएमसीजी सेक्टर के शेयरों में जोरदार तेजी देखने मिल रही है। कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के कारण दिल्ली मेट्रो अब पैसों की भारी किल्लत से जूझ रहा है। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम के खर्चों में कटौती की शुरुआत कर दी। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 27,66,626 हो गई। ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा 20 लाख के पार पहुंच चुका है। मंगलवार यानी 18 अगस्त को रिकॉर्ड 60,455 संक्रमित मरीज ठीक हुए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को एक खबर पर का हवाला देते हुए दावा किया कि पिछले 4 महीनों में करीब 2 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई और अब अर्थव्यवस्था के सर्वनाश का सत्य देश से नहीं छिप सकता है। आईपीएल 2020 के लिए चाइनीज कंपनी वीवो की जगह नए टाइटल स्पॉन्सर का ऐलान हो गया है और वीवो को सीजन 13 से हटाए जाने के बाद ड्रीम 11 को इस साल आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप मिली। राजस्थान में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बुधवार को सुबह 10:30 बजे तक 699 नए रिपोर्ट पॉजिटिव सामने आए हैं। इसमें से सबसे अधिक अलवर से 224, बीकानेर से 209, कोटा से 143, जयपुर से 50 और जोधपुर से 43 नए केस सामने आए। सुप्रीम कोर्ट ने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत के मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया है। इस फैसले के तुरंत बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक बुलाई। इस बैठक में शामिल होने के लिए गृह सचिव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी पहुंच चुके हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए इंस्टा। नमस्कार। InstaFeed.